हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वे ऑफ स्टडी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो एलपीएससी फीटा ट्रेड टेक्नीशियन बी 2020 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक दो बात बता दूं, ये पेपर मैं आपको दो पार्ट में अपलोड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में आपको 40 से 45 क्वेश्चन कराऊंगा और सेकेंड पार्ट में आपका पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। और एक दो बात जो नए हैं उनको पता नहीं है कितने मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स का होता है और 75 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और 2 घंटे आपको टाइम रहता है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या आ रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रामेल, ट्रामेल का यूज क्या है। तो हमें पता है ट्रामेल का यूज है लेइंग आउट लार्ज सर्कल। ठीक है, ए राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, हेड ऑफ चीजल इज नॉट हार्डन, द रीजन इज टू, जो हेड है चीजल का वो हार्डन नहीं है, क्या कारण है। तो ऑप्शन देखिए, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ चीजल, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अवॉइड डैमेज ऑफ हेड ड्यूरिंग हैमर ब्लो, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हथौड़ी के जिससे उसके हेड पे कोई प्रॉब्लम ना हो जब हैमरिंग किया जाए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए स्टील रूल, स्टील रूल के लिए कौन सा इसमें से राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन जरा घुमाकर इसरो पूछ रहा है। पहले डायरेक्ट पूछता था स्टील रूल क्या है, तो डायरेक्ट रीडिंग, इनडायरेक्ट रीडिंग, अब इस तरीके से पूछ रहा है। चार ऑप्शन देते हैं, उसमें से आपको आंसर निकालना है। तो इस चीज को ध्यान रखकर आप इसको देखिएगा। देखिए क्या है, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है या प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है या चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है या डायरेक्ट रीडिंग। तो हमें पता है स्टील रूल क्या है, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज यूज टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मैचिंग टेपर, यहां बोल रहा है इसमें से कौन सा हम यूज करेंगे मैचिंग पार्ट्स फाइनल टेपिंग के लिए। ठीक है, यहां पे आपका व्हाइट वॉश, प्रूशन ब्लू, जो मार्किंग मीडिया होता है उसके बारे में पूछ रहा है, और किस चीज के लिए मैचिंग पार्ट्स। तो देखिएगा, जब प्रूशन ब्लू होता है उसके थ्रू अगर हम दो जॉब को, अगर इनसाइड या आउट से जिस तरह के भी जॉब हो, अगर आपका अगर मैचिंग करेंगे किसी एक पार्ट में, अगर प्रूशियन ब्लू, ये दो पार्ट है मान लीजिए, ये आपका एक पार्ट है और इस साइड एक पार्ट है, इसमें आपको इस जॉब को फिट करना है, यहाँ पर आपका प्रूशियन ब्लू लगा है, अगर पूरा मैच कर जाता है तो आपका मैचिंग सही है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होकर कहीं पर ब्लू लगता है तो इसका मतलब आपको इस जगह पर फाइलिंग हल्का करना होगा, इस टाइप की बात की जा रही। तो आपका राइट आंसर बी है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज ट्रू फॉर जेनी कैलिपर। ठीक है, इसमें से जेनी कैलिपर के लिए कौन सा सही है, ये आपको देखना है। तो देखिए क्या है, टू ड्रॉ ए लाइन एट ए सेट डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द वर्क पीस, यस ये तो सही है, ड्रॉ लाइन करते हैं सेट डिस्टेंस एज के थ्रू, ये हम जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। अगला देखिए, टू चेक द डायमीटर ऑफ ए इंटरनल, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, ए बी सी डी का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दो लिख सकते, जब आपका ए राइट हो गया तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, टू ड्रॉ लाइन एट ए सेट डिस्टेंस फ्रॉम द एज, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर आपको डेली बेस लाइव टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का टेस्ट सीरीज भी फ्री में टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक एक टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, आज है आपका 29 अप्रैल, तो इसके बाद भी आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाए तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लॉविंग हैंड टूल is used to mark the center of a hole when drilling, कौन सा, देखिए आप drilling करते समय, ठीक है, कौन सा आप use करिएगा mark center के लिए। तो normally हमें पता है center punch ही use करते हैं drilling के लिए, तो right answer center punch, और इसका angle कितना होता है 90 degree, ये सब पता है। चलिए आगे देखिए, अगला question क्या है, purpose of angle plate, angle plate का purpose क्या होता है। तो angle plate का purpose क्या होता है, work holding। ठीक है, वर्क होल्डिंग का ही पर्पस होता है एंगल प्लेट का। ऑप्शन यहाँ पर मार्किंग लाइन, तो ये भी आपको राइट लगेगा, बट मार्किंग लाइन नहीं, वर्क होल्डिंग इसका मेन पर्पस होता है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लॉविंग हैमर इज यूज्ड फॉर सॉफ्टर ब्लो, सॉफ्टर के लिए क्या होता है, रबर हैमर होगा। ठीक है, राइट आंसर रबर हैमर होगा। ठीक है, सॉफ्टर के लिए। चलिए अगला देखिए, ये देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का मैथमेटिकल, इसको पार्ट 2 में करेंगे, इसमें सिर्फ ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं, जैसे अभी तक करते है कि थ्योरी का एक पार्ट और कैलकुलेशन का अलग पार्ट, उसी तरीके से। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं थ्योरी वाले पोर्शन पर। देखिए क्या है, द कटिंग एक्शन ऑफ फाइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, कटिंग एक्शन जो फाइल का होता है किस पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए,
काइंड ऑफ कट एंड स्पेसिफिक टीथ इस पे आधारित है, अरेंज टीथ पे, साइज एंड सभी थिकनेस ऑफ फाइल से इसे हम कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए नाइफ एज फाइल, व्हाट इज द क्रॉस नाइफ एज फाइल का क्रॉस सेक्शन क्या है। तो नाइफ एज फाइल, अगर आप लोगों ने मेरा एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज अगर देते होंगे डेली बेस, तो आपको पता होगा ट्राइंगुलर होगा, ठीक है, ट्राइंगल होगा। क्यों? कि अगर जो ट्राइंगुलर जो होता है वो आपका मोर देन 60 डिग्री के एंगल पे आपका यूज करते हैं, उसका था ट्राइंगुलर। और जो नाइफ एज होता है एकदम सॉफ्ट, इससे पहले जिन्होंने अगर SAC का जो मैंने लाइव टेस्ट कराया था इसरो का वो भी किए होंगे, तो उनको इससे पता चल जाएगा फिगर देख करके, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है हम लोगों का, बारह नंबर क्वेश्चन, नेम द हैंड टूल यूज टू रिमूव द हाई स्पॉट ऑफ जॉब आफ्टर मशीनिंग। मशीनिंग करने के बाद अगर कुछ स्पॉट रह जाता है जॉब के उस पर, तो किसे रिमूव कर सकते हैं, चीजल, नहीं जब मशीनिंग कर लिया तो चीजल करने से हमारा जॉब सरफेस खराब होगा, स्क्राइबर से तो मार्किंग करते हैं ये हटाइए, उपयुक्त ये भी तो नहीं होगा, सी स्क्रैपर, राइट आंसर सी होगा आपका स्क्रैपर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टीथ ऑफ हेक्सो ब्लेड्स टुवर्ड लेफ्ट एंड राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है, तो अल्टरनेटिव इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, इसे टीथ सेटिंग कहेंगे, ठीक है, ब्रशिंग तो कहेंगे नहीं, ये तो ब्रशिंग हम कर नहीं रहे, हार्डनिंग ऑफ टीथ ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस होगा, नहीं तो क्या होगा, टीथ टेस्टिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ बेंच वाइज, इसमें से कौन सा बेंच वाइज के लिए ट्रू नहीं है, तो देखते जो सही नहीं है यानी गलत को हमें निकालना है, ठीक है, तो पहले हम सही छाट लेंगे तो गलत ऑटोमेटिक आएगा, सही छाटते हैं, बॉडी ऑफ वाइस इज मेड कास्ट आयरन एंड जॉ आर मेड ऑफ टूल स्टील, सही है, जो बॉडी होता है वाइस का वो कास्ट आयरन का बना होता है और जॉ टूल स्टील का बना होता है, ठीक है। अगला, यूज्ड फॉर ग्रिपिंग ए जॉब ड्यूरिंग मशीनिंग एंड फिटिंग ऑपरेशन, ठीक है, मशीनिंग और फिटिंग और ग्रिपिंग करता है जॉब को पकड़ता है, ये भी सही है, जॉब प्लेट हैव नर्लिंग ऑन देम फॉर ग्रिपिंग है जॉब फार्मली, ठीक है, जॉब प्लेट को ग्रिपिंग करते हैं ताकि फार्मली पके। अगला रहते हैं, वाइस इज फिटेड ऑन ए वर्क बेंच बाय ए सिंगल नट बोल्ट अरेंज, बेंच वाइस फिटेड ऑन ए वर्क, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, बेंच वाइस जो फिटेड होता है वर्क पे सिंगल नट से नहीं होता है, बट ये आपका रॉन्ग है, बट ऑफिशियली जो आंसर प्रोवाइड किया गया है वो आपका इस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ए वेज लाइक टूल यूज टू रिमूविंग द टेपर सैंग टूल फ्रॉम द नोज ऑफ ड्रिल मशीन, वेज लाइक टूल ड्रिल मशीन से निकालने के लिए क्या होता है, ड्रिल ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिल ड्रिफ्ट। चलिए अगला देखिए, फॉर टैपिंग ए होल द साइज ऑफ होल शैल बी, टैपिंग जब करते हैं हम तो उसका साइज कैसा होना चाहिए, इक्वल टू द कोर डायमीटर ऑफ टैप, ठीक है, इक्वल टू द कोर डायमीटर ऑफ टैप। अगला देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमर, रिमर का पर्पस क्या होता है, इनलार्जिंग ए होल, तो यहाँ देखिए, टू इनलार्ज द साइज प्रीवियसली फॉर्म होल बाय ए स्मॉल अमाउंट विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो रिमर का यूज यही होता है, ठीक है, पर्पस यही होता है। चलिए अगला देखिए, 18 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का यूज क्या है, तो वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर और बीवल प्रोटेक्टर में हमें डिफरेंस अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो अच्छे से पता होगा, और इससे बनने वाले क्वेश्चन तो आपसे छूटेंगे नहीं। अब देखते हैं ये क्या होगा, एक्यूरेटली मेजर द एंगल ऑफ टेपर, ये सही है, डायरेक्ट एक्यूरेट करता है, और भी देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली तो इसमें होगा नहीं, एक्यूरेटली मेजर द सरफेस तो नहीं होगा, तो राइट आंसर हम लोगों का ए होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर है, डायरेक्ट आपका टेपर का एंगल बता देता है एक्यूरेसी के साथ। चलिए अगला देखिए, ए माइक्रोमीटर हैज पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर बोला है, ठीक है, कितना का, 0.01 mm का, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, 10.41, पॉजिटिव एरर बोला है तो हमें क्या करना होगा, नेगेटिव, वीडियो देखते होंगे मेरा रेगुलर तो आपको पता होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करके माइनस प्लस कर देना होता है, तो अगर पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे तो इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10.40 आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजर वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी इज नोन एज, एक माप ले लिए फिर उसका माप ले ले रहे हैं, मतलब उसको आपको पता नहीं है वो सही है कि नहीं, एकदम एक्यूरेट उसको माप रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, प्रिसिशन, ठीक है, क्या कहेंगे,
प्रिसीशन मतलब दोबारा अच्छे से मापना, ठीक है, प्रिसीशन कहेंगे। यहाँ देखिए मेजरमेंट तो हम ले ही रहे हैं तो मेजरमेंट तो होगा नहीं, ठीक है, सेंसिटिविटी होगा नहीं, एक्यूरेसी और इसमें आपका डाउट होगा, ठीक है, तो एक्यूरेसी तो होता है एकदम एक्यूरेटली है, बट आप उसे प्रिसीशन माप रहे हैं, इसका एक्यूरेसी कितना है, किसी एक अगर इंस्ट्रूमेंट का आप एक्यूरेसी पता करते हैं तो उसका एक्यूरेसी होता है, बट वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट होता है, आप दोबारा माप रहे तो क्या होगा, प्रिसीशन, ठीक है। चलिए अगला देखिए 21 नंबर, पर्पस ऑफ रैचेट स्टॉप क्या होता है, कंट्रोल द प्रेशर, राइट आंसर बी आपका होगा, कंट्रोल द प्रेशर। चलिए अगला देखिए, ये मैंने आप लोगों को कराया है 1 MST - 1 BSD, वही होगा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द लीस्ट काउंट, इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने ये जब कराया भी था तो बोल रहा था मैं आप लोगों को मेजरिंग, जब MCQ कराया था पार्ट वाइज तो उसमें बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए और इसमें आया भी है 1 MST - 1 BSD, तो ये आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, 22 का ए होगा 1 MST - 1 BSD। अगला देखिए, टू व्हाट एक्यूरेसी कैन मेजर्ड बी मेड विथ ए वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो 0.02 mm, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच इज नॉट ट्रू फॉर ए वायर गेज, वायर गेज के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, देखते हैं, यूज टू मेजर ए थिकनेस ऑफ वायर, ठीक है, मेजर करता है, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मापता है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, यानी राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्लिप गेज, स्लिप गेज के लिए इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है, ठीक है, तो देखिए, मेटल ब्लॉक विच आर ग्राउंड एंड लेफ्ट टू ए स्पेसिफिक थिकनेस, तो यही आपका राइट आंसर होगा, जो स्लिप गेज होता है वो मेटल ब्लॉक का होता है और हाईली एक्यूरेट होता है, ठीक है, और उसका जो एकदम ग्राउंड ग्राइंडिंग किया अच्छा से एकदम हाई लेवल का वो आपका एक्यूरेसी देता है, ठीक है, और मेटल ब्लॉक का बना होता है, राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द नंबर विच स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज नॉन एज, जो शीट मेटल का थिकनेस मापते हैं उसे क्या कहते हैं, देखिए आपको वायर साइज लगेगा बट नहीं, हम गेज होगा राइट आंसर, ठीक है, गेज, क्योंकि गेज से शीट मेटल का थिकनेस मापते हैं, वायर गेज, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग ज्वाइंट इन विच एंड ऑफ शीट इज प्लेस्ड ओवर द एंड ऑफ अनदर शीट, एक के ऊपर एक, तो क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइंट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द एक्ट ऑफ गिविंग ए डिजायर शेप टू ए मेटालिक पीस बाय हीटिंग एंड द हैमरिंग द सेम इज कॉल्ड, ये कह रहा है एक आपको शेप देना है, मेटल को आप गर्म करते हैं और हैमरिंग करते हैं, तो क्या होगा, फोर्जिंग, ठीक है, फोर्जिंग होगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, तो लैपिंग नहीं होता, टैपिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, रिमिंग होता है, बट लैपिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू होल्ड द टूल इन ए ड्रिलिंग मशीन, देखिए इसमें से कह रहा है कौन सा मेथड हम ड्रिलिंग मशीन में होल्ड नहीं करते, सॉकेट होल्ड करते हैं, चाक होल्ड करते हैं, स्लिप होल्ड करते हैं, ड्रिल जिग होल्ड नहीं करते, ठीक है। अगला देखिए, ये मैथ का वर्कशॉप का है तो ये आपको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए अगला, डी इज द डायमीटर ऑफ ड्रिल, बी इज द कटिंग स्पीड, देन एक्सेस एन दिया स्पीड, कैलकुलेट आरपीएम, आरपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एन निकालना, ठीक है, क्या होता है, 1000 बाई पाई डी, ठीक है, तो यहाँ कौन सा है देखते हैं, 1000 बाई पाई डी, ये आपका सी राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर आपका सी है। चलिए ऐसे होता है, अगर आप कटिंग स्पीड से निकालिएगा तो पाई डी एन बाई 1000, ठीक है, पाई डी एन, एन को यहाँ ला रहे हैं तो भी 1000 के साथ जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या होगा, 1000 इंटू भी बाई पाई डी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, बताइए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल कौन सा है, देखिए मिलिंग कटर मल्टी पॉइंट है और ग्राइंडिंग व्हील मल्टी पॉइंट है, तो राइट आंसर ए और बी दोनों। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड के इंक्रीजमेंट की तरफ, ठीक है, कटिंग स्पीड के इंक्रीज, तो कौन सा होगा, देखिए पहले अगर आप यहां देखिए तो हाई कार्बन स्टील, ठीक है, इससे ऑल स्पीड, हाई स्पीड स्टील, इससे स्पीड
टंगस्टन कार्बाइड, इसके बाद डायमंड। तो आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, राइट आंसर ए। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर यूज फॉर गैस वेल्डिंग। तो ये तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा, ब्लैक एंड मैरून, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मोल्टेन फ्लक्स विच सॉलिडिफाइज ओवर द वेल्ड मेटल इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं, ठीक है, स्लैग कहते हैं, ठीक। चलिए अगला देखिए, रिकंडीशनिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज नॉन एज, रिकंडीशनिंग क्या होता है ग्राइंडिंग व्हील का, तो ड्रेसिंग, ठीक है, ड्रेसिंग। और ये ड्रेसिंग, टर्निंग, ग्लेजिंग, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ग्राइंडिंग तो फिनिशिंग प्रोसेस है, लैपिंग भी है, हॉर्निंग भी है, तो ब्रोचिंग आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, वेल्ड स्पैटर, वेल्ड स्पैटर रेफर टू, वेल्ड स्पैटर क्या होता है, आपका फिलर मटेरियल होता है ये, सोल्डरिंग या वेल्ड, ये वेल्ड डिफेक्ट होता है, ठीक है, वेल्ड स्पैटर्स आपका वेल्ड डिफेक्ट होता है, ठीक है। अगला देखिए 40 नंबर, विच ऑफ द फ्लोविंग इज ट्रू फॉर लैपिंग प्रोसेस, लैपिंग प्रोसेस के लिए आपका कौन सा सही है, लैप इज सॉफ्ट मटेरियल एंड इट इज एंड इट्स चार्ज विथ एब्रेसिव, ये आपका एकदम एक्यूरेट है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल है और एब्रेसिव के थ्रू चार्ज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो हार्ड मटेरियल ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हार्ड कैंसिल, तो आपका ए राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, इन एन इंटरचेंजेबल असेंबली सेफ्ट इज 40 पॉइंट, जो भी आपका यहाँ देख लीजिए, एंड विथ होल साइज 40 पॉइंट जो है, मिनिमम, मिनिमम पूछा है, मिनिमम आपको पूछा, तो मिनिमम कैसे आएगा, तो मिनिमम, तो आपको यहां पर मिनिमम पूछा गया, ठीक है, द मिनिमम इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटरफेरेंस कैसे होगा, अगर आप 40 और इसको लीजिएगा तो आपका इंटरफेरेंस कितना आएगा, 40 आएगा, इससे और इसको लीजिएगा तो 60 आएगा, इससे अगर इसको लीजिएगा तो 30 आएगा, तो मिनिमम किससे आएगा, 40 और 30 को लीजिए तो मिनिमम आपका 10 आएगा, मिनिमम 10 सबसे कम आ रहा है, 40 60 30 लीजिएगा तो आपका तो सभी ऑप्शन में, बट मिनिमम कौन सा है, 10 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर साइज ऑफ ए डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड, जो साइज हम मेजर करते हैं, ठीक है, एकदम हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, एक्चुअल साइज, 42 का क्या होगा, एक्चुअल साइज। अगला देखिए, पर्पस ऑफ टॉलरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, टॉलरेंस का पर्पस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में, टॉलरेंस देते क्यों है, अगर जरा सा कम बेसी या कुछ प्रॉब्लम हो चल जाए, मतलब पूरा एक्यूरेट तो संभव नहीं है ना करना, इसीलिए। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं क्या होगा, टू मिनिमाइज द रॉ मटेरियल यूजेज, टू रिड्यूस द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, टू रिड्यूस वेट ऑफ द पार्ट, बिकॉज पार्ट कैन नॉट बी मेजर टू एग्जैक्ट, एग्जैक्ट साइज बनाना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए टॉलरेंस दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन बिलेटरल और यूनिलेटरल, ये आपको पता होना चाहिए, बिलेटरल और यूनि, बी मतलब एक तरफ, दोनों, यूनि मतलब दोनों तरफ आपको दिया, तो राइट आंसर बी का ए होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस क्या कहलाता है, तो टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस कहलाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन ये तो आपको पार्ट टू में मिलेगा, इसको देखिए 47, द प्रोसेस ऑफ सॉकिंग ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट के समय प्रोसेस आपका सॉकिंग क्या होता है, तो आपका देखिए, टू कीप द स्टील एट द सेम टेम्परेचर फॉर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है, सॉकिंग क्या होता है, टू कीप द स्टील एट द सेम टेम्परेचर फॉर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द अलॉयिंग एलिमेंट इन ब्रॉन्ज, कॉपर, कॉपर के साथ ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब तो पूछता ही पूछता है, तो कॉपर के साथ ब्रॉन्ज के लिए क्या होता है, कॉपर के साथ टिन, ठीक है, ब्रॉन्ज के लिए, ब्रास के लिए कॉपर एंड जिंक। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट ट्रू फॉर ए स्टेनलेस स्टील एलॉय, इसमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील एलॉय के लिए सही नहीं है, इस कॉन्टेंट क्रोमियम रहता है, ठीक है, इट्स एंटी कोरोशन रहता है, इट इज वेरी ब्रिटेल, ये ब्रिटेल नहीं होता है, ठीक है, इतना जल्दी ये टूटता नहीं है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक, समझ में आया। चलिए अगला देखिए, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट एब्रेशन इज कॉल्ड, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट एब्रेशन इज कॉल्ड, क्या होगा बताइए, तो हार्डनेस, ठीक है, राइट आंसर हार्डनेस, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मेन अलॉयिंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर, मेन क्या होता है, क्रोमियम एंड निकेल, ठीक है, बी आपको क्रोमियम और निकेल होगा,
और इसका मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का लाइव टेस्ट लिया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, उसका पेपर डिस्कस कराया, तो उसमें आपको अच्छे से समझा दिया गया कितना परसेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच वन इज द हाईएस्ट डेंसिटी, किसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है बताइए। तो यहाँ देखकर आपको समझ में आ रहा है गोल्ड का, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम, आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, बट कॉपर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हम लोग का वर्कशॉप से, इसको तो अगले वीडियो में, चलिए अगला देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में कितना परसेंट कार्बन रहता है, तो कास्ट आयरन देखिए 2-4% कार्बन रहता है, ठीक है, 2-4%। अगला देखिए 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के संबंध में कौन सा सही है, तो यहाँ देखते हैं, हाई गुड कोरोजन रेसिस्टेंट, जस्ट मिनट, देखिए क्या हैविंग गुड कोरोजन रेसिस्टेंट, कोरोजन रेसिस्टेंट अच्छा जंग रोधक हो, ये तो नहीं है, वाइडली यूज, ट्रू बोला है, तो वाइडली यूज फॉर कटिंग टूल, कटिंग टूल में यूज नहीं करते हैं, वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेथ बेड, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, लेथ बेड या मशीन बेड में सबसे ज्यादा कास्ट आयरन का ही यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 56, क्वांटिटी ऑफ मैटर कॉन्टेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड, क्या होगा, मास, ठीक है, मास जो द्रव्यमान होता है वही होता है हम लोग का क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इनर्सिया इज डिफाइंड, ठीक है, जड़त्व को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो न्यूटन के पहला नियम को हम लोग, न्यूटन को जड़त्व नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, और न्यूटन के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने डिस्कवर, अगला देखिए क्या, 58, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या होगा, देखिए ये सभी पोर्शन आपके साइंस के, ठीक है, और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है ये साइंस का मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, बट इसरो ने क्या किया है, ये 59 को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, कैंसिल किया है, किस लिए किया है, कंप्लेन क्या होगा या ऑब्जेक्शन क्या है, इसलिए किया है, बट इसको पार्ट टू में जैसे हम लोग मैथ्स और साइंस के पोर्शन को करेंगे उसमें भी ये कर लेंगे कि क्या होना चाहिए राइट, इसको भी कैंसिल किया है 59 को भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 60 नंबर, वर्कशॉप कैलकुलेट 61 देखते हैं, थ्योरी का है, प्राइसिंग ऑफ ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन इनटू अ टारगेट इट इज ड्यू टू, देखिए जब भी इस गति का बात आए तो हमें गति ऊर्जा लेना होगा यानी काइनेटिक एनर्जी लेना होगा, ठीक है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। चलिए अगला देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी, ये सब इधर के आपके क्वेश्चन है, आई थिंक अब मुझे लगता है ये ट्रेड थ्योरी के पोर्शन हो गए, ये साइंस और ये मैथ के पोर्शन है, इसको पार्ट टू में बहुत जल्द अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे पर क्लिक कर लीजिएगा जुड़े रहने के लिए, जैसे ही आपको पार्ट टू का वीडियो आएगा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा उसमें मैथ का, क्योंकि मैथ के वीडियो करने में बहुत टाइम ले लेंगे, एक वीडियो इतना लेंथी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, अच्छे से समझिए, और उस पार्ट में अगर मैथ का अलग से पोर्शन रहता है तो कम टाइम में आपको समझ में आए, इसलिए पार्ट टू आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो और समझने में भी प्रॉब्लम ना हो, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव टेस्ट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कीजिएगा और डेली बेस्ड टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ओके बाय।